हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बेस्ट टेक्निक के बारे में बताएंगे और डिसीज को कम करें या कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। आज का टॉपिक है डेंगू फीवर। इस डिसीज के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये डिसीज इतना कॉमन है कि हमारे फैमिली में किसी न किसी व्यक्ति को कभी ना कभी हुआ ही होगा। डेंगू फीवर के लक्षण के बारे में बताएंगे या सिम्टम्स के लिए बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे, मेडिसिन के डोज के बारे में बताएंगे, हमें क्या प्रिवेंशन या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है सिम्टम्स या लक्षण। डेंगू फीवर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसके बारे में वीडियो में बताते हैं। हाई फीवर, बॉडी पेन, खाना खा रहे हैं तो मुंह में टेस्ट ना आ रहा हो, या भूख ना लगना, मुंह सूखना या वोमिटिंग जैसे लगना, यूरिन जाने के टाइम जलन देना, सीढ़ियों में चलते चलते या जल्दी ही थक जाना, ये नॉर्मल से सिम्टम्स है डेंगू फीवर के। ये वीडियो आप सबको नॉलेजेबल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंड है बेस्ट मेडिसिन डेंगू फीवर के लिए। बेस्ट मेडिसिन प्राइमरी है डोलो 650 टेबलेट। इस मेडिसिन के साथ एक मेडिसिन कंबाइन लेना होता है। इस मेडिसिन का नाम है ओमी। सेकेंडरी है जिटोडॉल पी एंड टैक्सिम टेबलेट। इन मेडिसिन का यूज 5 से 10 दिन के बीच हमें फीवर हो जब ही इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इन मेडिसिन के साथ एक मेडिसिन कंबाइन लेना होता है, पेंटाप डीएसआर। थर्ड है डोज। एडल्ट को सुबह शाम भोजन के बाद इस मेडिसिन को लेना चाहिए। फोर्थ है प्रिवेंशन या सावधानी। 3 से 7 दिन के ऊपर हमें फीवर है जब हमें प्लेटलेट टेस्ट करा लेना चाहिए। 1.5 से 4 लाख से कम है तो हमें डेंगू होने की 100% संभावना है। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।